के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम 10 बजे मिलेंगे 10वीं वालों के लिए, और 12वीं वालों के लिए 12 बजे की क्लास थी, 10 बजे मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं नशीले पदार्थों की। किसकी? नशीले पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे व्यक्ति को नशा होता है। इस नशीले पदार्थ, एक्चुअल में नशा क्या है? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देते हैं। क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति देते हैं, और वह आनंद की अनुभूति कभी कभी उसे क्या पड़ जाती है? लत में बदल जाती है। क्या देता है? पहली बात, उसे आनंद। और आनंद किस में बदल जाए? अगर लत में, तो क्या लिखोगे? जब व्यक्ति को आनंद देने वाली वस्तु उसकी लत में बदल जाए, यानी कि रोज़ उसकी आवश्यकता होने लगे, नियमित रूप से उसके बिना वो रह ना सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? नशीला पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन आपके दे रखा है गुटखा। देखिए, ये पहले नहीं था, ये धीरे धीरे इंसानी दिमाग की खपत है। इंसान ने इसको बनाना प्रारंभ किया। कैसे बनाना प्रारंभ किया? तो इसमें क्या किया इंसान ने कि कत्था, सुपारी, धातु वर्क, खुशबू कौन सी ली इन्होंने? संश्लेषित खुशबू, यानी आर्टिफिशियल नहीं। कहीं ना कहीं से अपन, जैसे कि इलायची की खुशबू आ रही, तो जरूरी नहीं उसमें इलायची हो, उन्होंने ऊपर से मिला के डाल दी। ऐसी चीज़ें जब मिला करके एक पदार्थ का निर्माण किया, तो कत्था, सुपारी, धातुवर्क और खुशबू इत्यादि मिलाकर गुटखा बनाया जाता है। कौन सेवन करता है इसका? तो इसका सेवन करने वाला पुरुष यानी कि आदमी, महिला और बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात, आपके जैसे बच्चे भी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गुटखा खाते होंगे, नहीं खाना है क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। सुपारी लोग खाते हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी मत खाना कभी ज़िंदगी में, है ना। तो पुरुष, महिला और बच्चे इस गुटखा का उपयोग करते हैं, और इससे धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारी नाक है, ये हमारा मुख है, है ना, और यहाँ पर आकर जो जबड़े होते हैं मुख के अंदर, ये इंसान है, तो ये होठ जो हैं, अब अंदर की तरफ ये सब किससे जुड़े हुए हैं? जबड़ों से जुड़े हुए हैं। तो जबड़ों के अंदर पेशों में अकड़ उत्पन्न होने लगती है, और धीरे धीरे वो इंसान रोगी हो जाता है। तो इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ध्यान रखना, सब म्यूकोसा, फाइब्रोसिस नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है, जो बाद में जाके किसमें बदलेगा? कैंसर में, है ना। व्यक्ति को 2-3 उंगल से ज़्यादा मुंह नहीं खुलेगा, 2 उंगल से आगे मुंह नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार की जो बीमारी उत्पन्न होती है, वो किसी प्रकार होती है? किसके कारण होती है? गुटखा के कारण होती है। गुटखा किससे बन रहा है? कत्था, सुपारी, धातुवर, खुशबू इत्यादि से बन रहा है। और क्या कर रहा है? व्यक्ति को अपने ओर अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को और ज़्यादा बीमार बनाने का काम कर रहा है। गुटखा के बाद में दूसरा पॉइंट आता है तंबाकू। देखो, इसका उपयोग भी लोगों ने प्रारंभ किया आनंद के लिए। लोगों ने इसका किस में उपयोग करते? हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, है ना, पान मसाले, है ना, तंबाकू, जर्दा जिसे आप कहते हो, ये सब उपयोग करने उन्होंने क्या किया? खाना प्रारंभ कर दिया। एक्चुअल में तंबाकू है क्या है? तो तंबाकू एक प्लांट की लीफ है। तंबाकू क्या है? पादप की एक पत्ती है। उस पत्ती को तोड़ मरोड़ करके तंबाकू का पान बस बना दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान देना, उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार के निकोटिन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। क्या होता है? तो यह किस कुल का सदस्य है? कौन? तंबाकू। तो सोलनेसी कुल का धतूरा कुल जो होता है ना, धतूरा कुल, आगे जाके आप पढ़ोगे कौन सा कुल है, धतूरा कुल, उस कुल का सदस्य कौन है? तंबाकू उस कुल का सदस्य है। इसको हम बोलेंगे, अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा, कई बार वैज्ञानिक नाम पूछा है तंबाकू का, वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा है, ध्यान देना, वैज्ञानिक नाम, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। 10वीं वालों, इसके नीचे अंडरलाइन करना,
क्यों अंडरलाइन करना, क्योंकि वैज्ञानिक नाम होते हैं उनके नीचे क्या होती है, अंडरलाइन होती है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटिना, उसमें अंदर क्या कर रहे हैं अपन, निकोटिना टेबोकम को अपन क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। क्या हानि पहुंचाता है इससे, क्या हानि होती है, देखिए क्या क्या हानि होती है। एक तो इस व्यक्ति को क्या होने की, कैंसर होने का भय रहता है, कैंसर होने का भय रहता है। दूसरी बात, दूसरा क्या कारण होता है, तो हृदय, हृदय में व धमनी में, व धमनियों में, धमनियों में किसका जमा हो जाता है, इसका, तंबाकू या निकोटिन का, निकोटिन का जमाव हो जाता है, जमाव। इंसान के अंदर शरीर में जो अपनी जो वेंस है, आर्टरीज जो है, जहाँ पर खून बह रहा है, उसमें उसका जमाव हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसमें जमाव हो जाता है। फिर अगर मान लो कोई गर्भवती महिला इसको ले रही है, गर्भवती महिला के सेवन पर, सेवन करने पर बच्चे का विकास रुक जाएगा, बच्चे का विकास रुकता है। देखो इंडिया के अंदर महिलाएं कम सिगरेट सिगार पीती हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये उनका ट्रेंड होता है, तो इसलिए ध्यान रखना वहाँ पर जो महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पर कुछ आदिवासी महिलाएं सिगरेट और सिगार पीती हैं, ध्यान रखना। तो गर्भवती महिलाएं अगर सिगरेट या सिगार पीती है तो बच्चों को क्या होगा, विकास नहीं होगा, यानी कि तंबाकू का सेवन उनको नहीं करना है। फिर क्या है इसमें, क्या होगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ऑक्साइड जो रक्त से जुड़ जाएगी, किससे जुड़ जाएगी बोलो, रक्त से जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, ये बहुत हानिकारक पदार्थ बना देगी और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानि होने लगेगी। क्या हो गया, तंबाकू क्या है, तंबाकू, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाले, इन सब के अंदर तंबाकू मिलाया जाता है। पत्ती होती है, किस कुल का सदस्य है, सोलनेसी कुल का सदस्य पूछा जाएगा प्रश्न, ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटिना टोबेकम, इसका वैज्ञानिक नाम है। कैंसर होता है इससे हृदय की, और धमनियाँ जो है उसमें क्या होता है, जमा हो जाता है निकोटिन का। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए जो बच्चा होता है पेट में, उसका क्या होगा, विकास पूरा नहीं होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर देखें तो ये, अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अगर अंदर की तरफ जो धुआं खींचते हैं ना, उससे उत्पन्न हो रहा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो होती कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, तो ये अंदर जाएगी। अच्छा, साथ साथ में क्या होगा, लगभग लगभग 60 लाख लोगों की मौत, लाख मौत किससे होती है, हर वर्ष हो जाती है इससे। 60 लाख लोगों की मौत किससे हो जाती है, हर वर्ष इन लोगों से, इस तंबाकू खाने से हो जाती है। फिर भी हम लोग संभलते नहीं है, कितनी भयानक बात है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, चलिए अब चलेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आएगा अपने पास में मदिरा। अगला पॉइंट क्या आएगा, मदिरा। मदिरा मतलब क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल लोगों के लिए एक लत है, ये भी है ना। अब पढ़ेंगे अपन अल्कोहल, अल्कोहल। कई बार अल्कोहल का सूत्र पूछा गया है, तो C2H5OH अल्कोहल का सूत्र है ये। ज़्यादातर लोग अल्कोहल के रूप में इसी को पीते हैं, और ये अत्यधिक हानिकारक है और नशीला पदार्थ है। कैसा है, नशीला पदार्थ है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और क्यों नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये यकृत के अंदर, किसमें, यकृत में पहुंच कर एसिटाइल्डिहाइड बनाता है, एसिटाइल्डिहाइड क्या बना रहा है, एसिटाइल्डिहाइड बना रहा है। एल्डिहाइड मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का CHO बना रहा है, यानी कि ये यकृत में पहुंचकर एसिटाइल्डिहाइड का निर्माण करता है, निर्माण करता है जो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये शरीर में पहुंच करके बना रहा है, एसिटाइल्डिहाइड का निर्माण कर रहा है। व्यक्ति नशे में रहेगा और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा। तीन प्रकार की हानियाँ होगी नशा करने से। कितनी हानि हो रही है इसमें, शराब पीने से तीन हानियाँ। पहली होती है सामाजिक हानि का मतलब क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट हो जाती है। क्या लिखोगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट हो जाती है। प्रतिष्ठा में गिरावट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा शराबी को ये लोग ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं, कहते हैं तो अभी शराब पी के आए, इसकी क्या इज्जत। तो सामाजिक हानि तो होगी। दूसरी होगी आर्थिक हानि। आर्थिक हानि क्यों होगी, उसको पैसा खर्च होगा, जो पैसा उसके कहीं काम आ सकता है वो कहाँ चला जाएगा, शराब पीने में चला जाएगा। और तीसरी हानि होती है शारीरिक हानि। कौन सी हानि होती है, शारीरिक हानि। शारीरिक हानि में क्या होगा, उसको यकृत की समस्या हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम, यकृत की
समस्या। दूसरा क्या हो सकता है, मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा क्या करना और क्या नहीं करना है ना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्या होती है, रोग प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक का मतलब होता है रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी उस व्यक्ति में, कम हो जाएगी। तो यकृत की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मानसिक असंतुलन उत्पन्न होने लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आर्थिक हानि तो होगी होगी, और उसके साथ साथ में व्यक्ति को क्या हो जाएगा, इतनी हानियाँ भी होगी। और क्या हो सकता है उसको, हाँ, स्मरण क्षमता कम हो जाएगी। आपने देखा होगा सर, अभी आदमी को थोड़ी देर बाद कुछ याद नहीं रहता, तो याद रखने की क्षमता भी क्या हो जाती है, उसको कम हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम, दिन वाली क्लास में और भी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।